नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्सेयर के कार्बाइड स्पेक O5 कैबिनेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। तो गाइस, सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट की क्विक अनबॉक्सिंग से। अब सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन में बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो शायद आपको ये बात पता ही हो कि कॉर्सेयर की कार्बाइड स्पेक की जो सीरीज कैबिनेट्स हैं वो जानी जाती हैं अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के लिए। और यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट नहीं है, आपको यहाँ पर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स इस कैबिनेट। टॉप पर यहाँ पर आपको दिया जाता है इसका पावर बटन, साथ ही में यहाँ पर आपको एक USB 3.0 और साथ ही में USB 2.0 का पोर्ट दिया जाता है, अलॉन्ग विद द फ्रंट पैनल ऑडियो कनेक्टर्स जहाँ पर आप अपना हेडफोन स्पीकर्स या फिर अपना माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप ऊपर यानी कि टॉप पर दो फैंस भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। 120mm के दो फैंस को आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। साइड पैनल की गाइस यहाँ पर बात करें तो आपको एकदम फुल साइज यहाँ पर एक्रेलिक साइड पैनल दिया जाता है, जो कि इसकी लुक को और भी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। हालांकि अगर यहाँ पर आपको टेम्पर्ड ग्लास दिया जाता तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन स्टिल इस प्राइस पॉइंट के ऊपर इस पर प्रोडक्ट आता है, आप कंप्लेन यू कांट रियली कंप्लेन, आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत ही बजट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अब गाइस बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की इस गेमिंग कैबिनेट के, जो की है एक साथ में मिलने वाला। अरे चुप कर मां, आया भाई सब्जी, ए सब्जी सब्जी डाले। बात करते हैं गाइस इस कैबिनेट के सबसे बेस्ट पार्ट की। अब यहाँ पर जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड पावर सप्लाई भी मिलने वाला है कॉर्सेयर की ही तरफ से। जी हाँ, यहाँ पर आपको मिलता है कॉर्सेयर का ही VS550 या फिर VS650, दो वेरिएंट्स में प्रोडक्ट आता है। आप जा सकते हैं VS550 वाले कॉम्बो के साथ या आप जा सकते हैं VS650 वाले कॉम्बो के साथ, और यहाँ पर आपको ये पावर सप्लाई इस कैबिनेट में ऑलरेडी दिया जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पर मिलता है फ्रंट पर एक 120mm का रेड LED फैन, जो कि इसके लुक्स में और ऐड करता है। और अगर आप यहाँ पर चाहें गाइस तो आप फ्रंट पे यहाँ पर तीन 120mm के फैंस यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टॉल कर सकते हैं दो 140mm के फैंस, या अगर आप यहाँ पर एक AIO या वाटर कूलिंग इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 240mm तक का यहाँ पर आप रेडिएटर फ्रंट पे इंस्टॉल कर सकते हैं इस कैबिनेट में। अब बैक की बात करें गाइस तो यहाँ पर भी आप एक 120mm का फैन इंस्टॉल करके चल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका जो बैक आपको है वो दिया जाता है कैबिनेट का। बॉटम की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया जाता है इसका PSU डस्ट फिल्टर, जो कि इंश्योर करेगा कि जो आपका पावर सप्लाई है वो फ्रेश एयर इनटेक तो करे बाहर से, लेकिन वहां पर वो साथ में जो डस्ट है वो एक्यूमुलेट ना हो जाए पावर सप्लाई के अंदर, ये डस्ट फिल्टर उस डस्ट को रोक लेगा बाहर ही। बाकी फर्दर केबल मैनेजमेंट की बात करें तो केबल मैनेजमेंट का काफी अच्छा स्कोप है इस कैबिनेट में, बहुत अच्छे से आप केबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। हालांकि यहां पर आपको इसका जो PSU श्राउड है वो यहां पर नहीं है, वो मिसिंग है, तो कई लोगों के लिए शायद से एक डिसअपॉइंटमेंट रह सकती है कि यहां पर PSU श्राउड नहीं दिया गया। बट स्टिल एज आई टोल्ड यू कि इस प्राइस के ऊपर आप कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकते जिस पर ये आता है। अब लुक्स की बात करें, यहाँ पर गेमिंग कैबिनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फैक्टर है जो कि है उसके लुक्स। तो लुक्स यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स बहुत अमेजिंग दिए जाते हैं, बहुत स्टनिंग लुकिंग कैबिनेट है, बहुत प्रीमियम दिखती है मोर ओवर देखने में। और अगर आप इसके लुक्स को और ज्यादा एनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर कोई भी RGB वाली चीज यानी कि कोई RGB फैन या RGB स्ट्रिप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा, एकदम किलर हो जाएंगे इस कैबिनेट के लुक्स लिटरली। प्राइस की बात करें गाइस तो प्राइस अभी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं क्योंकि इंडियन मार्केट में नया प्रोडक्ट है, कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है, तो प्राइसेस अभी खासकर ऑनलाइन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ऑफलाइन की अगर बात करेंगे तो जो VS550 वाला वेरिएंट है जिसमें आपको VS550 पावर सप्लाई मिलता है वो आपको मार्केट में अराउंड 4500 का मिल जाएगा। हालांकि ऑनलाइन की बात करेंगे तो आपको 6000 से 6500 में ये प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलेगा। वहीं बात करें इसके VS650 वाले पावर सप्लाई वेरिएंट के कैबिनेट की तो वो आपको गाइस मार्केट में 5000 से लेकर 5500 के बीच में बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन आपको उसके लिए भी 7000 के आसपास पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप जहां पर रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, वहां पर आपको एक्सेस है एक ऑफलाइन मार्केट का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मार्केट से जाकर ही इस प्रोडक्ट को बाय करें क्योंकि आप एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेंगे। और मोर ओवर ये आपके लिए एक बजट कॉम्बो बन जाएगा, जो बंदा एक नया बिल्ड कर रहा है उसको एक कैबिनेट और एक पावर सप्लाई, ऐसा पावर सप्लाई जो कि अराउंड 3500 के आसपास का सिर्फ पावर सप्लाई है, वो आपको एक कैबिनेट के कॉम्बो में अगर 5000 से भी कम में बाहर मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड डील। आप इसको बिल्कुल ऑफलाइन मार्केट से जाकर बाय करें, लेकिन स्टिल अगर आप किसी ऐसे कंडीशन में फंस रखे हैं कि आपको किसी ऑफलाइन मार्केट का एक्सेस नहीं है तो आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे जहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं, उनसे बाय करेंगे तो उससे चैनल को थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलेगा। तो यदि गाइस आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं उस बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन
Cheers.